हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ मिस्ट्री शॉप 10.0 के बारे में। तो यस गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्री शॉप 10.0 के बारे में बात करने वाले हैं कि कब हमें देखने को मिल सकती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं और क्या वो हमें इसी मंथ में देखने को मिलेगी। नहीं, रुको रुको यार, मैं सारी डिटेल आपको अच्छे से देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, उस बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। तो यस गाइस, फाइनली मैं मिस्ट्री शॉप 10.0 को लेकर कोई अच्छा खासा तगड़ा सा प्रूफ मिल चुका है, और वैसे एक नहीं दो प्रूफ मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट जिसका सबसे ज़्यादा डिटेल्स मिली है ना, मतलब अंदर के आइटम्स वगैरह, वो वाले मिस्ट्री शॉप दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, इसमें हमें देखने को मिल रहा है दोनों मेल बंडल, एक है ब्लू एल्फ वाला बंडल और एक है स्पेड वाला बंडल, ये भी ब्लू कलर का। इसके दो मिलते जुलते बंडल, मतलब इसकी थीम के ही दो बंडल अभी हमें बैलेंस पावर बैलेंस वाले इवेंट में मिले थे, जिसमें वो येलो वाला और रेड वाला आया था। सेम उसी थीम पर ये ब्लू वाला इवेंट, ब्लू वाला बंडल है जो हमें एक ब्लू एल्फ वाले बंडल के साथ मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली दोनों मेल बंडल है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप सोचोगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों मेल बंडल आ जाए मिस्ट्री शॉप में। तो गाइस, लास्ट टाइम जब मिस्ट्री शॉप आई थी तब बाहर वाले सर्वर्स में दोनों मेल बंडल ही आए थे। इंडियन सर्वर में लेवल अप शॉप आ गई थी जो कि और बेटर ऑप्शन था मिस्ट्री शॉप से। बट अगर हम मिस्ट्री शॉप की बात करें, लास्ट टाइम जो आई थी, लास्ट मंथ ही आई थी, तो उसमें दोनों मेल बंडल थे गाइस। तो आप देख सकते हो ये है मेन स्क्रीन, आपको डिस्काउंट जैसे स्पिन करना पड़ेगा वैसे ही मैंने स्पिन करा है, और लेट्स सी कितना डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा डिस्काउंट ऐसे देखने को मिलता है। ये फिलहाल टेस्ट सर्वर है गाइस, है ना, ऐसा नहीं है कि आ चुके, नहीं, ये टेस्ट सर्वर है और 85% का डिस्काउंट हमें देखने को मिला है। अब मैं आपको अंदर जाके आइटम्स दिखा देता हूँ कि अंदर क्या क्या आइटम्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो आपको दो बंडल आपको वही देखने को मिल रहा है जो मेल वाले बंडल है, और आपको नॉर्मली मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिलते हैं वाउचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, 10-10 वाउचर्स आप खरीद सकते हो यहाँ से। और ये देख सकते हो आपको मैं मेल बंडल भी दिखा रहा हूँ आपको। तो ये होने वाला हमारा ब्लू वाला बंडल जो कि स्पेड वाला बंडल होगा, या बोलूँ क्लफ वाला बंडल होगा, वैसे शायद क्लफ वाला बंडल बोलेंगे हम इसे, क्योंकि जो क्लफ वाली थीम पर एक पीछे जो बनता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर उसको क्लफ बोलते हैं इंग्लिश में। और बाकी ये बंडल्स वगैरह गाइस, ज़रूरी नहीं कि जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम एज इट इज़ मिस्ट्री शॉप अपने इंडियन सर्वर में, नहीं, ये अभी टेस्ट सर्वर है। इसमें जैसी मिस्ट्री शॉप दिख रही है ये सिर्फ टेस्ट के लिए हो रहा है, हो सकता है इंडियन सर्वर में कम्प्लीटली डिफरेंट मिस्ट्री शॉप आपको देखने पड़े। बट हाँ, अगर मिस्ट्री शॉप आएगी तो डेफिनेटली उसके अंदर एलाइट पास हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट यार, क्या मिस्ट्री शॉप अभी हमें देखने को मिलेगी? तो जेन्युइनली गाइस, बाय माय ओपिनियन, इस महीने हमें मिस्ट्री शॉप देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली मिस्ट्री शॉप की बात करें तो 23, 24, 25 के आसपास वो आती है। बट गाइस, इस टाइम पे हमारे इंडियन सर्वर में चल रहा होगा एनिवर्सरी इवेंट जो कि 22nd से शुरू होगा। वैसे शुरू तो अभी कुछ दिनों में ही हो जाएगा, कल परसों में शुरू हो जाएगा, बट 22nd से उसका मेन जो डे है ना वो शुरू हो जाएंगे ना, मेन डेज जो बोलते हैं इवेंट के, वो 22nd से शुरू होंगे। तो उस टाइम पे ऑलरेडी एक बड़ा इवेंट चल रहा होगा हमारे इंडियन सर्वर में, तो गरीना फ्री फायर क्यों एक दूसरा इवेंट देगा, वो भी इतना ऑसम इवेंट, क्योंकि यार फिलहाल के लिए एनिवर्सरी इवेंट अपने लिए सबसे बड़ा इवेंट है इस मंथ। तो आई डोंट थिंक सो कि मिस्ट्री शॉप हमें इस मंथ देखने को मिलेगी। अगर देखने को मिल जाती तो सोने पे सुहागा होगा वो, बट इन माई ओपिनियन नहीं, हमें देखने को नहीं मिलेगी। जितना मैं फ्री फायर को जानता हूँ, जब से मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, कभी भी दो बड़े इवेंट साथ में नहीं आए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यार दो लीक्स मिले, तो गाइस एक और लीक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सिर्फ इतनी सी वीडियो ही मिली है, तो इसमें आपको दिख रहा है मनी हाइस्ट वाला इवेंट पीछे दिख रहा है, जो कि बंडल्स मैंने आपको दिखाए थे। तो गाइस, इस वीडियो से ये क्लियरिफाई होता है कि शायद से हमें मनी हाइस्ट वाले टाइम पे मिस्ट्री शॉप देखने को मिले, और उस मिस्ट्री शॉप में हमें मनी हाइस्ट के बंडल देखने को मिले। तो यस गाइस, एक ये चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि मनी हाइस्ट वाले इवेंट में सिर्फ बंडल्स वगैरह ही रिलीज कर रहे हैं, और प्लान बरमुंडा मतलब बरमुंडा 2.0 आने वाला है, बट ऐसा कोई बड़ा इवेंट कोई क्लैरिफाई अभी तक नहीं हुआ जिसमें हमें फ्री रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। बट अगर बात करें जब मिस्ट्री शॉप की, तो यस गाइस, मिस्ट्री शॉप आ सकती है। मिस्ट्री शॉप में अगर मनी हाइस्ट वाली थीम डाल दी तो जी हाँ, मनी हाइस्ट और मिस्ट्री शॉप एक साथ साथ में आना पॉसिबल है। बट मैं चाहूँगा कि जो मैंने पहले मिस्ट्री शॉप दिखाई है वो आए, ये ब्लू बंडल्स वाली, क्योंकि ये ब्लू बंडल्स ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं मुझे मनी हाइस्ट वाले बंडल से। मनी हाइस्ट वाला बंडल जो भी बोलो थोड़ा सिंपल ही है, हाँ रेड क्रिमिनल बंडल जैसा दिखेगा जो टॉप वाला था उस टाइम पे, बट स्टिल मुझे मतलब ऐसे जंप्स टाइप के बंडल प्रिफर नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक ही बंडल है, आप उसमें मिक्स मैच कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर हम ये ब्लू वाले बंडल्स लेते तो इसमें हम टॉप, पैंट्स, हैड,
मास्क ये सब मिक्स मैच कर सकते हैं दूसरे बंडल से। तो मैं चाहूंगा कि यार ये ब्लू वाले बंडल्स हमें मिस्ट्री शॉप में देखने को मिले, बट खैर गरीना के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडियन सर्वर में क्या बंडल्स आते हैं। बट गाइस इतना तो श्योरिटी कि हमें जल्द ही मिस्ट्री शॉप देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यार अगर इतनी बड़ी कोई वीडियो या सर्वर रिलीज किया है तो डेफिनेटली कि गरीना का पूरा अच्छा खासा प्लान है मिस्ट्री शॉप को गेम में देने का। और जिस हिसाब से सर्वर वर्क कर रहा है ना, मतलब कि यार सर्वर तो रेडी है, बस उसको लॉन्च करना है डेट फाइनल करके। तो आपको तो पता ही है अगर मिस्ट्री शॉप आएगी तो 22nd के बाद ही आएगी, 23rd, 24th, 25th तक आती है मिस्ट्री शॉप। हमें उसके बाद 6-7 दिन का टाइम मिलता है हमारे एलाइट पास बैचेस कंप्लीट करने का, अगर आप एलाइट पास लेते हो तो ऑब्वियसली। बट अभी जल्दी आप मिस्ट्री शॉप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और मैं तो पर्सनली मेरा ओपिनियन से बोलूँगा कि इस महीने तो एक्सपेक्ट नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मिस्ट्री शॉप इस मंथ आएगी। इस मंथ हमें और भी दूसरे अच्छे इवेंट देखने को मिल सकते हैं जिसमें हमें एलाइट पास वगैरह मिल जाएगा, आई थिंक सो। और वैसे भी फ्री मिलने की एलाइट पास की बात चली रही है, तो बस मैं आप लोगों को इतना सजेस्ट करूंगा कि डायमंड्स बचा के रखो, ऐसे फालतू के इमोट्स वाले इवेंट में और ऐसे फालतू के अदर इवेंट में डायमंड मत वेस्ट करो, और एनिवर्सरी इवेंट का वेट करो क्योंकि धमाल होने वाला है एनिवर्सरी इवेंट। तो गाइस बस इस वीडियो में यही था, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो यार वीडियो को यहीं रैप करते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है मिस्ट्री शॉप में कब देखने को मिलेगी। सो गाइस बाय बाय।